वेलकम बैक माय यूडो फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। यार देखो, मैं ज़्यादा एक ही बात कहूँगा यहाँ पर, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, जो लॉजिक है उस पर बात करूँगा, फैक्ट जो हैं उस पर बात करूँगा, फालतू की बातें मैं करूँगा नहीं, सीधा आपको दूध का दूध पानी का पानी करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या मुझे साहिल खान का इंटरव्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या क्या मुझे क्वेश्चन करने चाहिए, प्लीज़ मुझे आंसर दो, बिकॉज मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। अब आती है बात फैक्ट की। मैंने पुरानी एक वीडियो डाली थी अभी भरत सिंह बालिया के ऊपर, और उसके बाद एक थोड़ा सा रोस्टिंग भी किया था, दूसरी वीडियो डाली थी उसमें रोस्ट भी किया था, वो मजाक मस्ती की वीडियो थी, थोड़ा सा रोस्ट भी किया था अपने अंदाज में, क्योंकि लोगों को पसंद आती है रोस्टिंग वीडियो, तो मैंने उस अंदाज में डाली थी। तो पुरानी वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब ये कमेंट किए हैं कि ऐसा वैसा, कभी कश्मीर का एग्जांपल दिया, कभी मुझे कहीं कन्याकुमारी का एग्जांपल दिया, मुझे कहीं जयपुर का एग्जांपल दिया, मुझे बहुत जगह का एग्जांपल दिया कि हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, मुस्लिमों के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे तर्क वितर्क मुझे दिए, कई लोगों ने मुझे प्यार दिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया, बट 1-2% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, जिन्होंने मुझे गालियाँ भी दिए और बहुत वैसी ऐसी बातें भी किए कि तेरा विश्वास खत्म हो गया, विश्वास नहीं रहा, ऐसा वैसा, और हम तेरे को प्यार करते थे ऐसा वैसा। देखो यार, सबसे पहली बात तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, खाटू श्याम बाबा मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको मानता हूँ, मेरे को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खाटू श्याम को मानता हूँ, बिकॉज मेरे ये मेरे भगवान हैं, अब ये मेरे गुरु हैं, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे गुरु, मैं दिल से कितना प्यार करता हूँ मैं जानता हूँ, इनके लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ, ये होता है सच्चा प्रेम। भगवान भी सेम ऐसी है, मेरे दिल से मैं इनको प्यार करता हूँ, जब भी मेरा कोई अच्छा काम होता है मैं सीधा खाटू श्याम जाता हूँ। रीज़न ये है कि मैं खुद एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मैं अपने धर्म को मानता हूँ। यार मैं कौन होता हूँ भगवान को यार प्रोटेक्ट करने वाली, मेरी क्या औकात है, जिन्होंने मुझे बनाया मैं इनको प्रोटेक्ट करूँगा? आप मुझे बताओ एक तरीके से, आप जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने संसार को बनाया, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा? अगर इनके ऊपर कोई बात आती है तो मैं कहूँगा मेरे धर्म के ऊपर जो है लांछन लगाया, या मेरे धर्म के ऊपर जो है मेरे धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। यार मैं कौन होता हूँ अपने धर्म की रक्षा करना? अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आपको अपने कर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, आपका धर्म ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं कि भरत सिंह वालिया भाई साहब ने कोई फेक, जितने भी मुझे गालियाँ आई हैं आप नोटिस करना इन चीज़ों को, इंस्टाग्राम पे जो भी गालियाँ आती है या फिर जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे गाली आ रही है उसमें नोटिस करना, वो फेक अकाउंट है, वो टोटली फेक अकाउंट है, उनके एक भी फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं, 2-4 फॉलोअर्स ऐसे ही गेन कर लेते हैं हम, जैसे अकाउंट खोलते हैं 2-4 फॉलोअर्स ऐसे मिल जाते हैं, तो वो सारे फेक अकाउंट हैं, ये सब सर्वर से गालियाँ पड़ती हैं, ये मैं भी जानता हूँ। कई लोग खुन्नस में उतार के मैं ही अपनी नकली आईडी से, फेक आईडी से किसी को गाली दे सकता हूँ, ऐसा भी हो जाता है, आप जानते हो, सबको पता ये बात। अब उसकी बात मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूँगा कि भाई साहब के लिए मैंने ये बोला था कि जब भी आप भगवान का नाम मत लो, आप श्री राम का नाम मत लो, आप ये मत बोलो बार बार महादेव मत बोलो। कई लोगों ने मुझे रिएक्ट किया कि क्या भगवान का नाम लेना गलत है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों गलत है भगवान का नाम? अभी मैं भी तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो मैं गलत कैसे हो जाऊँगा? भैया भगवान का नाम लेना, अपने गॉड का नाम लेना गलत नहीं है, बट जब अब भगवान का नाम कहाँ पर लेता है ये बंदा, मैं बताता हूँ। इसकी साहिल खान से दुश्मनी हुई, साहिल खान से पंगा हुआ, साहिल खान से पंगा हुआ, तो साहिल खान क्या है? मुस्लिम है। ये क्या है? हिंदू है। अब इसको पता है अगर ये अकेला उससे फाइट करेगा तो जीत नहीं पाएगा, ये बात आप भी जानते हो, अगर ये अकेला फाइट करता तो नहीं जीत पाता। अब इसने क्या करा? गेम खेला। गेम खेलने के लिए इसने क्या करा? सबसे पहले इसने भगवान का सहारा लिया। जैसे इसने भगवान का नाम जय सिया राम बोला ना, तो हम क्या हैं, हम ब्राह्मण लोग, हम हिंदू लोग, हम अपने धर्म को इतना मानते हैं, हम अपने गॉड से इतना प्यार करते हैं कि हम अपने गॉड की वजह से इससे जुड़ गए। अगर कोई हमारे सामने जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय बोलता है, तो भारत माता की जय बोलते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमको अच्छा लगता है कि यार इसने हमारे भारत माता के लिए अच्छा बोला, हमारे भगवान के लिए अच्छा बोला, तो हमारी सिंपैथी उसके लिए चली जाती है, तो हम उसके पक्ष में चले जाते हैं। तो यही आप लोगों के साथ भी हुआ, आप लोगों ने क्या करा? तुरंत उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ही इज़ राइट। अगर वो गलत भी है तो आपने उसको कर दिया कि राइट, ये सही है।
बट एक्चुअल में आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ कि अगर मेरी किसी मुस्लिम बंदे से लड़ाई हो रही है तो मेरे को जरूरी है मेरे को हिंदू का नाम, अब हमने भगवान का नाम लेना, या अगर कोई मुस्लिम से मेरी लड़ाई हो रही है तो जरूरी है कि वो अल्लाह का नाम लेगा और सबको इकट्ठा करेगा। साहिल खान ने तो किसी अल्लाह का नाम लिया नहीं, उसने तो किसी मुस्लिम को इकट्ठा किया नहीं, फिर ये क्यों कर रहा है? बात को समझो आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं है, किसने क्या करा क्या नहीं करा उसकी सजा उसको मिलेगी। ये जो कुकर्मी लोग होते हैं, ये जो निर्दलीय लोग होते हैं, जो किसी की माँ बहन को मारते हैं काटते हैं, जो हिंदुओं के साथ होता है, जो मुस्लिमों के साथ होता है, जो भी गलत होता है, वो किसी धर्म से नहीं होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। ये लोग सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, गुंडागर्दी फैलाना। राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये लोग, इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, ये कभी भी पलटी मार लेते हैं भैया, कहीं भी चले जाते हैं। आप किसी पार्टी से जुड़े हो, कोई पार्टी अगर हिंदुत्व को प्रमोट करती है तो आपके लिए सिंपैथी रहती है, उस पार्टी के लिए आप हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हो सिंपैथी रहती है। अगर मैंने उसमें थोड़ी सी कोई हिंदुत्व आपके लिए अच्छी बात बोली तो आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। वही चीज़ हुआ भरत बालिया के साथ भी, भरत बालिया के साथ लोग जुड़ गए, इतने जुड़ गए कि सारे हिंदू भाई जितने भी हमारे हिंदू भाई है उनके साथ जुड़ गए। बट मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है भरत बालिया की और साहिल खान की। तो साहिल खान के साथ अगर इसकी फाइटिंग हो रही है, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या साहिल खान गलत है। अगर साहिल खान गलत है तो उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा। अगर भरत सिंह बालिया गलत है तो भरत सिंह बालिया को भी उसका पनिशमेंट दो। अगर ये इतना बड़ा हिंदू बोलता है तो क्यों भाई मच्छी खा के आया वहाँ से? मुझे एक बात बताओ कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, मेरे को डॉक्टर ने बोला खाना, व्हाट इज़ दिस? ये स्पेशली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमने बॉडी बिल्डिंग आज तक की नहीं, हमें नहीं पता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ यार, ऐसा थोड़ी कि आप ब्राह्मण बोलते हो उसके बाद मच्छी खाते हो। अगर आप ब्राह्मण हो तो प्योर ब्राह्मण बनो फिर। मैं जन्योधारी हूँ बट मैं जन्यों को धारण नहीं करता हूँ, मैं जन्यों उतार के, मैंने जन्यों पहना था कुछ टाइम पहले, जिस दिन जन्यों पहना था तब तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, जन्यों उतार के मैंने तुलसी के पेड़ पर बांध दिया, उसके बाद मैंने नॉनवेज खाया, क्योंकि वो ब्रह्म फांस है, उसको पहन के हम नॉनवेज नहीं खा सकते, ये हमारे धर्म में लिखा हुआ। अब ये भाई साहब मच्छी खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, आप वेजिटेरियन हो तो आप मच्छी खा कैसे सकते हो? मेरे को तो एक समझ में नहीं आती ये बात। और फिर आप एक्सक्यूज़ देते हो कि मेरे को मजबूरी हो गई थी, मेरा इतना मॉरल ये हो गया था, डाउन हो गया था, हो गया था, ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन वाले क्या बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं? तो कई जगह पर ये बंदा गलत है, ठीक है। तो अगर ये कहीं पर गलत है तो मेरे एक ही बात है, मेरा आप लोगों से कहना है कि इसको सपोर्ट मत करो। आप अगर उसकी देखो, कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे, मैं आपको बता दूं, जिनकी आदत होती है टट्टागिरी करने की, भाई साहब के चाटते होंगे, भाई साहब के साथ दो चार सप्लीमेंट के डब्बे मिल जाते होंगे, इनको माल मूल खाने के लिए मिल जाता होगा, तो वो गाली आके देंगे ही देंगे। कुछ फेक अकाउंट से ये भाई साहब खुद गाली दे देंगे, इनका भी यही काम है। दो चार प्यादे पौधे होंगे इनके जिम जुम में, ये भी गाली, इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है मेरे पास। चंडीगढ़ में इनका जिम बंद हुआ उसकी भी पूरी कहानी है मेरे पास। इन्होंने पहले फीस रखी थी, बढ़ा के रखी थी, बाद में फिर इन्होंने हज़ार रुपये फीस रख ली मैंने की, उनकी सारी स्टोरी सारी कहानी मेरे पास है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ अपने सारे फॉलोअर्स से या जो भी मुझे देख रहा है, मैं उसको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई सच्चाई को प्रमोट करो, सच्चाई को प्रमोट किया करो हमेशा। जो सच है सच का साथ दो, और आप जानते हो कि बादल कभी झूठ नहीं बोलता, जो बोलता है चौड़े में बोलता है। और मुझे कोई गाली देगा ना सामने से, और मेरे सामने अगर देगा गाली, मैं साले को वहीं माँ बहन करूँगा। अगर मुझे कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज में किसी ने गाली दी होगी ना, तो उसने दो दी होगी तो मैंने उसको चार दी होगी रख के, और साले को उसके बाद ब्लॉक मारा होगा। और मैं कह रहा हूँ हिम्मत है, मैं पहले ही बोला था कि हिम्मत है गाली देने की, तो सोशल मीडिया मत दो भाई, सामने आके दे दो गाली, मैं भी तो देखूँ यार गाली देने वाला कितना बड़ा तोप है। तो भाई ये सब बकवास की बातें, इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए आदमी को। सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपनी जो आपकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को किसी गलत आदमी का इस्तेमाल मत करने दो। ये आपकी फीलिंग्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आपकी फीलिंग के साथ खेला जा रहा है, आपकी जो इमोशन है ना उसके साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। आपको आपस में लड़ा के बंदा जो है फेम पा रहा है, बंदा जो है रोटियाँ सेक रहा है अपनी, तो इसको रोटियाँ मत सेकने दो। मैं एक ही बात कहूँगा सारे अपने भाइयों से, अगर कोई मेरा दुश्मन भी है और मेरा भाई है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर कोई मेरा दुश्मन भी है, मैं उसको भी एक ही बात कहूँगा, ब्रदर
सोचो पहले, सबसे पहले सोचो कि क्या आप जो बोल रहे हो या जो कर रहे हो या जिसको सपोर्ट कर रहे हो क्या वो सही है। और रही बात साहिल खान की, बहुत सारी साहिल खान की बातें हैं कि उसने ये गाना बजाया था, वो करा था, ये करा था, सारे इंटरव्यू में खुलासा करूंगा, सारे पूछूंगा, एक एक बात पूछूंगा साहिल भाई से कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, सारा दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है, अभी दुबई में है, उनका लॉन्च ओपन हुआ है, दुबई से जल्दी आ रहे हैं वो। बात हुई मेरी उनसे, मैं आएंगे जैसे यहाँ से जाऊँगा मुंबई, उनके घर पर जाऊँगा, घर पर जाके इंटरव्यू लेके आऊँगा उनका। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना भाई, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और जाने से पहले लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।